नमस्कार, महाविकास अघाड़ी की सत्ता अब पलटने जा रही है। जी हां दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की सत्ता को गिराने का ठेका अब संजय राउत ने ले लिया है। संजय राउत ने जिस तरह से कांग्रेस पर कमेंट कसे हैं, सोनिया गांधी को लेकर के, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के, जिस तरह से एनसीपी नेता शरद पवार को लेकर के, और तो और कांग्रेस की पहले जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी और उनके क्रीमलला के जो साथ संबंध थे उसको लेकर के संजय राउत ने जो बयान दिए हैं वो काफ़ी भयानक हैं। यानी उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिला देने वाले हैं। क्रीमलला और इंदिरा गांधी के आपसी संबंधों का जिक्र जो संजय राउत ने किया है जिसको लेकर के कांग्रेस काफ़ी नाराज चल रही है। और जो संजय राउत एक तरह से बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के सावरकर पर भी कांग्रेस ने काफी कांग्रेस पर सावरकर के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर काफी ज्यादा बयान है वो संजय राउत दे चुके हैं। एनआरसी सीएए को लेकर के सामना में निश्चित तौर पर जो संजय राउत ने लेख छापा है वो तो काफी कांग्रेस को हिला देने वाला है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो कांग्रेस की खिलाफत हर तरफ से संजय राउत कर रहे हैं। वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, इंदिरा गांधी और क्रीम लाला के जो आप डॉन था, क्रीम लाला मुंबई का पहला डॉन, उसके संबंधों को लेकर के कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएए एनआरसी एनपीआर को लेकर के भी संजय राउत अब बीजेपी के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के संजय राउत ने शिवसेना की नैया है वो डुबो दी है। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आने शुरू हो चुके हैं कि महाविकास अघाड़ी की सत्ता कितने दिन और चलेगी इसका कोई अता पता नहीं है। पृथ्वीराज चव्हाण जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की सत्ता कितने दिन और चलेगी इसका कोई पता नहीं है, किसी को कोई भी पता नहीं है। यानी कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिला करके रख दी है। इनके आपसी नेता ही एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के आपसी नेता ही उद्धव ठाकरे की बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए आए दिन मारपीट कर रहे हैं, आए दिन लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए झगड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ एनसीपी की तरफ से जो इनके बेटे, इनके भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम की गद्दी पर बिठाया गया है, शरद पवार के भतीजे को, वो काफ़ी भयानक है। और वहीं एमएनएस ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने की ठान ली है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एमएनएस के राज ठाकरे आ रहे हैं। 23 जनवरी 2020 को एक इवेंट का आयोजन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से किया गया है जिसमें निश्चित तौर पर राज ठाकरे अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का झंडा भी भंगवा करने का ऐलान कर दिया है। और 23 जनवरी 2020 को बड़ा होने जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसी के अंतर्गत बीजेपी के साथ गठबंधन भी एमएनएस यानी राज ठाकरे करने जा रही है। कुल मिलाकर के संजय राउत ने वीर सावरकर के नाम पर, वीर सावरकर के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस को लताड़ा है तो कांग्रेस अब शर्म से डूब चुकी है। वैसे तो शिवसेना काफ़ी बार कांग्रेस से माफ़ी भी मांग चुकी है लेकिन इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस माफ़ी मंगवाने की बजाय अपना कदम पीछे हटाने की तरफ ध्यान देगी, क्योंकि वीर सावरकर के मुद्दे पर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है। अशोक चव्हाण की बात का जवाब देते हुए वीर सावरकर के मुद्दे पर संजय राउत ने कहा है कि जिस अंडमान निकोबार की जेल के अंदर वीर सावरकर 14 साल काट कर आए थे, उस अंडमान निकोबार की जेल में 2 दिन के लिए कांग्रेस के नेताओं को भेज देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का नाम मेंशन यहां संजय राउत ने नहीं किया है लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के बयान आए थे कि मैं वीर सावरकर, राहुल सावरकर नहीं हूं, राहुल गांधी हूं, माफ़ी नहीं मांगूंगा किसी भी हालात में, इसको लेकर के कांग्रेस के जो आलाकमान की तरफ से जो बयान दिए गए इसको लेकर के संजय राउत ने बड़ा बयान भी दिया था। लेकिन अब जिस तरह से वीर सावरकर के मुद्दे पर बोला है कि जो वीर सावरकर को देशद्रोही मानते हैं, गद्दार मानते हैं, उन्हें 2 दिन के लिए अंडमान निकोबार की जेल में भेज देना चाहिए जहां वीर सावरकर 14 साल काट करके आए थे, तो उन्हें पता लग जाएगा, यानी कांग्रेस को पता लग जाएगा कि वीर सावरकर कितने वीर थे।
अशोक चव्हाण ने कांग्रेस या कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया था कि बीजेपी वीर सावरकर को भारत रत्न देने जा रही है और इसका विरोध है वो कांग्रेस करेगी, लेकिन इसी का जवाब देते हुए संजय राउत ने बड़ी खलबली मचा करके रख दी है। अब महाविकास अघाड़ी की सत्ता में काफ़ी ज़्यादा शिवसेना के विधायक भी शिवसेना के खिलाफ हो चुके हैं, संजय राउत के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना के विधायकों को मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण काफ़ी बगावत में मौजूद है। कुल मिलाकर के एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही पार्टियों के अंदर मंत्रिमंडल नहीं सौंपने की वजह से काफी ज्यादा खिलाफत है वो मौजूद है। सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी सबसे कम मंत्रिमंडल शिवसेना को मिले हैं, सिर्फ 10 मंत्रिमंडल सीएम की गद्दी सहित मिले हैं और वह उसमें से भी एक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, पर्यटन मंत्री बना दिया गया है। और बताया यह भी जा रहा है कि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक फैसला लिया था एक पर्यटन को लेकर के उसको लेकर के कांग्रेस के जो गृह मंत्री है या फिर कांग्रेस की तरफ से उसको मंजूरी है वो नहीं दी गई, तो इसको लेकर के भी कांग्रेस और शिवसेना में काफ़ी ज़्यादा तनातनी है वो हो चुकी है। आने वाले समय में एनपीआर को लेकर के भी संजय राउत है वो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने बड़ा गेम खेलते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा करके रख दी है और उद्धव ठाकरे की कुर्सी को हिला करके रख दिया है। कुल करके अब निश्चित हो चुका है कि थोड़े ही समय के बाद महाविकास अघाड़ी की सत्ता गिर जाएगी, या तो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की सत्ता के लिए अपने कदम है वो पीछे हटा लेगी संजय राउत से तंग आकर के, या फिर निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे तंग आकर के अपना इस्तीफा सौंप देंगे और जो नया समीकरण बनने जा रहा है 23 जनवरी 2020 को वो ये है कि शिवसेना के बागी 35 विधायक निश्चित तौर पर MNS और बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो बीजेपी और MNS के गठबंधन को ज्वाइन कर लेंगे 23 जनवरी 2020 के बाद, क्योंकि MNS एक हिंदुत्व के सिद्धांतों वाली पार्टी है, राज ठाकरे की पार्टी है। इस तरह से वो एक तरफ से उद्धव ठाकरे को छोड़ करके अपना बदला भी पूरा करेंगे और दूसरी तरफ राज ठाकरे के साथ रह करके वो ठाकरे परिवार के साथ जुड़े भी रहेंगे, हिंदुत्व के सिद्धांतों से भी जुड़े रहेंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस पर जिस तरह से संजय राउत ने तंज कसने शुरू किए हैं उससे कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे से काफी खपा चल रही है। आने वाले समय में निश्चित पर देवेंद्र फडणवीस MNS-BJP के गठबंधन के साथ जो महाराष्ट्र की सरकार में दोबारा बनेंगे और निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की कुर्सी है वो निश्चित तौर पर खिसकने वाली है। निश्चित तौर पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, उद्धव के सिद्धांतों वाली शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को कोड़ी के दाम उद्धव ठाकरे ने बेच दिया सिर्फ पुत्र मोह के चलते और अपनी कुर्सी के लालच में आकर के, जो अपने 30 साल पुराने साथी बीजेपी को शिवसेना ने धोखा दिया और जो दुश्मन थी सबसे बड़ी शिवसेना की कांग्रेस और NCP उसके साथ हाथ मिलाया। हालांकि हाथ मिलाने में संजय राउत का बड़ा हिस्सा था, बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी हिस्सेदारी थी संजय राउत की, लेकिन सरकार बनने के बाद संजय राउत के भाई सुनील राउत को मंत्रिमंडल नहीं सौंपना निश्चित तौर पर कांग्रेस NCP और शिवसेना को काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस ने जो NCP पर आरोप लगाए हैं महाविकास अघाड़ी की सत्ता में, जिस तरह से उद्धव ठाकरे पर उंगली है वो शिवसेना के विधायकों ने उठाई है, वो निश्चित तौर पर संकेत कर रही है कि आने वाले समय में MNS उनके लिए एक पर्याय है, ऑप्शन है जिसको वो ज्वाइन कर सकते हैं। 23 जनवरी 2020 के बाद महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत मिलने हैं वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे NCP नेता शरद पवार के चक्कर में आकर के, संजय राउत के चक्कर में आकर के जिस तरह से NCP कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और अपनी गद्दी पर बैठ गए, सीएम की गद्दी पर बैठ गए, अपने बेटे को कैबिनेट में जगह दे दी, अपने पुराने साथी बीजेपी को छोड़ दिया, शरद पवार और सोनिया गांधी के इशारे पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता उद्धव ठाकरे चला रहे हैं, इससे नाराज काफी लोग हैं। दूसरी तरफ NCP और कांग्रेस की तरफ से भी संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि उनके विधायकों में भी काफी ज्यादा बगावत है। उन्होंने तो काफी सारे ड्रामे भी हैं, जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे की जो समर्थक थे उन्होंने खून से चिट्ठी तक लिखी सोनिया गांधी को मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए, और
आप कांग्रेस के अन्य नेताओं के काफी समर्थकों ने पुणे के कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। संजय राउत अब निश्चित तौर पर जो देवेंद्र फडणवीस को एक बार दोबारा सीएम गद्दी पर बिठा सकते हैं। अजीत पवार की खिलाफत निश्चित तौर पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही पार्टियों में देखी गई है। अजीत पवार एक बागी नेता थे जिसको निश्चित तौर पर शरद पवार ने डिप्टी सीएम की गद्दी पर बिठा दिया, जो संजय राउत को पसंद नहीं आया। शरद पवार का ये कदम निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी की सत्ता को गिराने की ओर बढ़ा चुका है। अब संजय राउत बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के आदित्य ठाकरे को कैबिनेट में जगह देना और 25 से 30 साल पुराने साथियों को शिवसेना के उनको कैबिनेट में जगह नहीं देना काफी भारी पड़ा है। और दूसरी तरफ अमित शाह ने बड़ा गेम खेलते हुए राज ठाकरे को अपने साथ ले लिया है। पालघर निकाय चुनाव के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज ठाकरे के एक साथ पोस्टर भी लगाए गए हैं। कुल मिला करके देखा जाए तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो समर्थक हैं या फिर जिसके जिनके देख रेख के अंदर महाविकास अघाड़ी की सत्ता है वो गिरेगी। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे एक बार दोबारा बाला साहब ठाकरे की जो सिद्धांत हैं कुर्सी के लालच को छोड़ करके बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को उद्धव ठाकरे ने तो बेच दिया, लेकिन राज ठाकरे निश्चित तौर पर उन्हें दोबारा कायम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे एक मजबूत चेहरा बनकर उभरने वाले हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता में संजय राउत किस पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं, वाकई में शिवसेना की निभा रहे हैं या फिर बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।